गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कल हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का बेसिक सीख लिया था और आप लोगों को पांच सिंबल्स हमने बताए थे। वो पांच सिंबल आशा करते हैं आप लोग याद कर चुके होंगे अच्छे से। आप लोगों को पांचों सिंबल आपके जहन में बस चुके होंगे। अगर वो पाँच सिंबल्स याद हैं तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके साथ हूं। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और जितने लोग हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए। आज ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और डेली आप लोग जो कहते हैं कि सर पीडीएफ नहीं आ रही है, पीडीएफ नहीं आ रही है, मैं बेटा अपने हाथों से पीडीएफ भेज रहा हूँ। फिगर काउंटिंग मैं लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करवा चुका हूं, उसके पीडीएफ भेजने की कोई जरूरत नहीं है। कथन तर कथन उदाहरण की पीडीएफ मैं आपको भेज चुका हूं। रैंकिंग की पीडीएफ आपके पास आ चुकी है। ब्लड रिलेशन की पीडीएफ आज आपके पास पहुंच जाएगी। डेली वाइज पीडीएफ आपको पहुंच रही है। करंट अफेयर आपको पहुँच रहा है। आप लोग माहौल गंदा कर रहे हैं बार बार ये कह के कि पीडीएफ नहीं पहुँच रहा है, आप लोग देखते नहीं हैं। और दूसरी बात, पीडीएफ बेटा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फीस जमा करी है उन्हीं को पीडीएफ मिलेगी। बहुत जल्द आपको ये वीडियोस भी नहीं दिखेंगे, वीडियोस भी प्राइवेट हो जाएंगे। जिनकी फीस जमा है उन्हीं को केवल देखने को मिलेगा। तो एक बार अपना टेलीग्राम चैनल चेक करके ही कहा करें कि सर पीडीएफ नहीं आई। मैं खुद अपने हाथों से मैंने भेजा है पीडीएफ। रैंकिंग की पीडीएफ भेजी है, कथंतर की पीडीएफ भेजी है। जितने जितने चैप्टर्स मैं पढ़ाता जा रहा हूँ एक एक करके, जिनका क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि भेजना चाहिए आपके पास तक, पीडीएफ आपके पास तक पहुँच रही है। चलिए, तो पांच सिंबल्स जो आज लोग नए हैं जिन्हें ये नहीं पता है पांच सिंबल्स कौन से थे, वो कल मैंने आपको बताया था। मेल जो होगा उसको हमें त्रिभुज से दर्शाना है। किससे दर्शाना है? त्रिभुज से। फीमेल को सर्किल से दर्शाना है। सिबलिंग्स को सिंगल बॉन्ड से दर्शाना है। सिबलिंग मतलब होता है सगे भाई बहन। मैरिड को डबल बॉन्ड से दर्शाना है। और वन जनरेशन गैप, इसको परपेंडिकुलर से दर्शाना है। ये आप लोगों को याद हो चुका होगा, जिन्होंने कल ना लिखा हो वो आज फिर लिख लें। ये आप लोगों को याद हो चुका होगा अच्छे से। और इस तरीके से लगाने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कहीं भी कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, एक भी शब्द लिखना नहीं पड़ेगा, बस केवल फिगर्स बनाने होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप फैमिली चार्ट बनाएंगे तो ये हो गए आप, आपका भाई, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो आपका भाई, ये आपकी बहन, अगर सिस्टर की शादी हो चुकी है तो ये आपके जीजा, कहीं नहीं लिखना है कि ये बहन है, ये जीजा जी है, ये आपके माता पिता, ये आपके चाचा, ये आपकी चाची, ये आपकी मौसी, ये आपके मौसा, ये इनके बच्चे, तो कहीं भी कुछ नहीं लिखना है और सारे रिलेशंस क्लियर होते जाएंगे। ये इनके ऊपर बनाना है तो दादाजी दादी जी, इनके ऊपर बना देंगे तो नाना जी और नानी जी। इस सिस्टम को अगर आप अपनाएंगे, इस फिगर वाले मेथड से अगर आप करेंगे तो आपको कहीं भी कुछ लिखना नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से लगेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है और टी एस की माँ है। तो बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, जल्दी से बताएं सभी लोग कि पी का टी से क्या संबंध होगा, पी का टी से क्या संबंध होगा। तो जैसा कहता जा रहा है क्वेश्चन वैसा वैसा बनाते जाइए। देखिए,
यहाँ लिखा है पी क्यू का भाई है, तो पी को हम लोग क्यू का भाई बना देते हैं, पी भाई हो गया क्यू का। अच्छा दूसरी बात, पी क्यू का भाई है, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, अगर ये बहन होगी तब भी ये भाई रहेगा, अगर ये भाई होगा तब भी ये भाई रहेगा, तो जब तक जेंडर ना कहा जाए आप अपने आप क्लियर नहीं करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, आर क्यू की माँ है, आर जो है वो माँ है क्यू की, तो आर को बेटा हम लोगों ने माँ बना लिया क्यू की, सॉरी आर को हम लोगों ने माता बना लिया। एक जनरेशन का अंतर है, एक जनरेशन के अंतर में हमें ऐसी लगी खींचनी होती है, आर क्यू की माता हो गई। एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, एक पीढ़ी और ऊपर जा रही है। पी भाई है क्यू का, फिर क्या कह रहा है, आर माँ है क्यू की, आर माँ है क्यू की, एस आर का, एस आर का पिता है, एस पिता है किसका, आर का। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, एस की भी भैया माँ आ गई टी, जैसा कहता जाए बनाते चले जाओ। तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से, पी का टी से क्या संबंध है, आप देखिए ये इनका बेटा, बेटे की बेटी, ये दोनों बेटी के क्या है, बेटा बेटी है। तो अब यहाँ पर एक पीढ़ी दो पीढ़ी, दो पीढ़ी का अंतर है, यानी कि क्या हो जाएगा, परपौत्र हो जाएगा। संबंध किसका पूछा है, जिसके ऊपर का लगा होता है, इंडिविजुअल का जिस पर लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा, पी का रिश्ता पूछा है टी से, तो क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग, तो आंसर हमारा आएगा पौत्री बिल्कुल नहीं होगा, दादी बिल्कुल नहीं होगा, पौत्र बिल्कुल नहीं होगा, पर पौत्र यहाँ पर हो सकता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर पौत्र। वैसे इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो नाती होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाती। देखिए अगर मम्मी के मम्मी पापा की बात करें तो वो नाना नानी होते हैं, जैसे आपकी जो माता जी होंगी उनके माता पिता जो होंगे वो कौन होंगे, नाना नानी आपके, और आप अपने नाना नानी के कौन होंगे, नाती या नातिन। ठीक, अगर पिताजी के मम्मी पापा की बात करें, जैसे आपके जो पिताजी हैं उनके माता पिता की बात करी जाए तो वो आपके दादा दादी या दादी बाबा, और आप उनके कौन होंगे, पौत्र या पौत्री। यहाँ पर क्या है, देखिए लड़की है, लड़की का लड़का, अब लड़के की लड़की है, यानी ये दोनों बच्चे उनकी मम्मी, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा कौन हुए, नाना, नाना की भी मम्मी कौन हुई, ये पर नानी हो गई, तो ये कौन हो गए, पर नाती। तो आंसर क्या होना चाहिए, वैसे सटीक आंसर क्या होना चाहिए, पर पौत्र नहीं पर नाती होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर नाती के पर लग गए हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिगर बनाने में कोई समस्या किसी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, सॉरी ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, ये बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है, बताएं सभी लोग जल्दी से, डी का सी से क्या रिश्ता है। बस जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है फिगर बनाते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गलत आंसर को आप सही कर देंगे, बता देंगे कि ये वाला आंसर गलत लिखा हुआ है इसको सही कर लो, चलिए बताइए जल्दी। तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि ए बी की पुत्री है, तो पुत्री कौन है, ए की बी, बी सी की माँ है, ए जो है वो बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, पुत्री है। अब बी चाहे पिता हो चाहे माता हो, इस लाइन से, इस वाली लाइन से बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी सी की माँ है, बी जो है वो माँ है सी की, यानी ए का भाई होगा और ये कौन है, माँ है।
यहां तक कोई दिक्कत? डी सी का भाई है, डी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी जो है वो भाई है सी का। सी का जेंडर बेटा अभी क्लियर नहीं है, डी सी का भाई है, तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो डी कौन है? भाई हो गया। कौन हो गया? भाई। तो आंसर यहां पर हमारा क्या आएगा सही? भाई। कई लोगों का आंसर सही आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर देख ले, देखिएगा क्या कहा गया है। ए बी की पुत्री है, ए बी की क्या है? पुत्री। तो हम ए को बी की पुत्री बना देते हैं, ए को हमने पुत्री बना लिया, किसकी? बी की। फिर क्या कह रहा है? बी सी की माँ है, बी माँ है किसकी? बी को माँ बना लिया, किसकी? सी की। सी की माँ कब होगी? जब ए पुत्री है और सी की माँ है, यानी ए और सी भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगी। अभी सी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। जो एक व्यक्ति है डी, वो सी का भाई है। कौन है भाई? ये व्यक्ति हो गया, यानी पुरुष हो गया, और इसका भाई है, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब क्या कहा गया है? डी का ए से क्या रिश्ता है? का किसके ऊपर लगा है? डी के ऊपर। से किस पर लगा है? ए के ऊपर। तो जो डी होगा वही आंसर होगा, जिसके ऊपर इंडिविजुअल का लगा होगा वही आंसर होता है। का जिसके ऊपर लगा होता है वही आंसर होता है। अब का किस पे लगा है? डी पे। तो डी ए का कौन है? भाई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। अब किसी को कोई क्वेश्चन करने में समस्या तो नहीं हो रही है? क्वेश्चन बहुत आसानी से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अच्छा, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि का जिसके ऊपर लगा हो वही हमारा आंसर होता है, तो कोई आंसर बहन भी लगा देगा, ऑप्शन में बहन भी दे रखा होगा। यहाँ तो नहीं दे रखा है, लेकिन पेपर में जब ऑप्शन आएगा तो आपको बहन भी दे रखा होगा और भाई भी दे रखा होगा। तो बस क्या करना है? इंडिविजुअल का जिसके ऊपर लगा होगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन करने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चीज़ें आसान हो गई कि नहीं? इससे पहले आप जिस तरीके से करते थे उसमें थोड़ी कठिनाई होती होगी, लेकिन ये बहुत जादुई तरीके से आप लोग क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। आसान लग रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कि क्वेश्चन आसान हो गए हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी का भाई ए है, बी का भाई है ए। बी का भाई कौन है? ए। डी का पिता है सी, डी की माता है ई, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है? तो ई का सी से क्या संबंध है ये आप लोगों को बताना है। ई का सी से क्या संबंध है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग जवाब दें, जितने लोग देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति जवाब दे। देखिए यहाँ आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। बेइज्जती चार में अच्छी है, हजार में नहीं। अभी आप चार लोग हैं तो यहाँ बेइज्जती करवा लीजिए, हजार में बेइज्जती अच्छी नहीं होती है, बेइज्जती चार में अच्छी होती है। और ये समझ के बिल्कुल मत पढ़िएगा कि सर बहुत कम लोग हैं तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ढेर कूड़ों का होता है, ढेर भूरे का होता है, सोने के ढेर बहुत कम होते हैं। तो आप लोग सोना है, सोना ढेर में नहीं पाया जाता है, सोना छुटपुट पाया जाता है। तो आप जितने हैं आप सोना हैं, ध्यान से पढ़िए बस। गोबर का ढेर मिलेगा आपको, कूड़े का ढेर मिलेगा, सोने का ढेर नहीं मिलेगा आपको। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। बी का भाई ए है, बी का जो भाई है वो ए है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, रिलेशन बाद वाले से दिया गया है। डी का पिता सी है, अब कोई डी है उसका जो पिता है वो सी है। यहां तक कोई दिक्कत? बी का भाई ए हो गया, डी का पिता सी हो गया, डी की माता है ई,
डी की जो माता है वो ई है, ये पिता है तो ये माता हो गई ई, यानी इन दोनों की हम लोग शादी करा दें। अब तो आप लोगों को शादी का घर जोड़े बना ही दिया हमने, आराम से शादी करवा सकते हो, जिसकी चाहो उसकी। डबल बॉन्ड लगा दो, शादी हो गई बस। तो डी की माता कौन हो गई? ई हो गई। ए और डी भाई हैं, ए और डी क्या है? भाई हैं। डी भी भाई है और ए भी भाई है, यानी ये पूरा रिलेशन क्या हो गया? जुड़ गया आपस में। अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए एक बात ध्यान से सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। पूरे क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा होगा जो परिवार को कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? परिवार को कनेक्ट करेगा। जैसे यहां तक तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही क्वेश्चन में कहा ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, यानी यही एक पॉइंट ऐसा है जो पूरे क्वेश्चन को जोड़ेगा आपस में, यही एक पॉइंट ऐसा है जो पूरे क्वेश्चन को आपस में जोड़ेगा। तो अब भैया क्या करें हम लोग, ए को डी का भाई बना दें। ए को डी का भाई कैसे बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। डी ए और डी भाई है, यानी दोनों भाई हैं, दोनों का जेंडर क्लियर कर दिया गया। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसके पीछे मत पड़े। अमूमन करते क्या है आप लोग, जो लड़कियां होंगी वो उसे लड़की बना देंगी, जो लड़का होगा वो उसे लड़का बना देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से, जिसके ऊपर का लगा होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ई कौन है? पत्नी। ई कौन है? पत्नी या भार्या। ई कौन है? पत्नी। तो हमारा डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। कई लोगों के जवाब सही थे, अभी भी दो चार महान आत्माएं ऐसी हैं जिनके आंसर गलत आ रहे हैं, तो वो लोग एक बार ध्यान से सुने। अच्छा, जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले, जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर अच्छे से देख ले। बस वो पांच सिंबल आप याद रखिए, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी है, वादा है मेरा। बी का भाई है ए, बी का भाई है, अच्छा इस बार ए को इधर बना लेते हैं, बी का भाई है ए, ए को हमने बेटा भाई बना दिया। इस पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को? आगे क्या कह रहा है, डी का पिता है सी। अब कोई व्यक्ति डी है, उसका पिता जो है वो कौन है? सी है, सी पिता हो गया। डी की माता है ई, डी की माता। अब ये पिता है और माता, यानी कि इन दोनों की शादी करा दो भैया, शादी लाल घर जोड़े शादी करा दो। डी की माता कौन है? ई। डी की माता बना दिया ई, डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, माता हो गई। अब ये वाला जो पॉइंट है, ए और डी आपस में भाई हैं, ए और डी को क्या बना दो भैया? भाई बना दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और इन्हें भी पुरुष बना दो, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? तो जो ई होगा, जिसके ऊपर का लगा होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पत्नी आ जाएगा, ना कि पति आएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पत्नी आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है अच्छे से? क्वेश्चन आसानी से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, आप सुनिएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए ये फिगर बना है ए बी सी डी ई। अब अगर पहला क्वेश्चन पूछे कि ई का डी से क्या संबंध है,
क्या संबंध है? तो आंसर सभी का आ जाएगा का किसके ऊपर लगा हुआ है, ई के ऊपर लगा हुआ, यानी जो ई होगा वो आंसर होगा चाचा। इसका आंसर क्या आएगा? चाचा। ये चच्चा हो गए हमारे लोगों के, चच्चा ही लिख दिया हमने, सॉरी चाचा लिखना है बेटा, चाचा। कौन हो गए? ये चच्चा हो गए। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कहा गया डी का ई से क्या संबंध है, तब क्या आ जाएगा? तब भतीजी आ जाएगा। ठीक है, डी का ई से पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा? भतीजी आ जाएगा। अब अगर पूछे ई डी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है, ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। ई का डी से, तो जहां पर ये आए का से, तो जिसके ऊपर का लगा होता है वो हमारा आंसर होता है। ई डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ई जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, चाचा के प्रकार से संबंधित है। किसके प्रकार से संबंधित है? चाचा के प्रकार से। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपने पिताजी से किस प्रकार से संबंधित हैं, तो पिता होगा या पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो आप अपने पिताजी से, पिता के संबंध से थोड़ी ना संबंधित हैं, आप पुत्र से संबंधित हैं या पुत्री से संबंधित हैं, आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं। तो जब भी आएगा ई डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी रिलेशन किसका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में कैसे पूछा जाएगा, ई डी, ई और डी किस प्रकार संबंधित संबंधित हैं, ई और डी किस प्रकार संबंधित हैं। तो ई और डी चाचा भतीजी से संबंधित हैं, चाचा भतीजी, क्योंकि यहां पर और लगा हुआ है तो दोनों ही रिलेशन आपको बताने होंगे। तो किससे संबंधित हैं? चाचा और भतीजी से संबंधित हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से करिएगा पेपर में। अब जरा इसका आंसर बताइए बेटा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। और जिन लोगों का गलत आ रहा है वो लोग अपनी जगह पर मुर्गा बन जाए, जिन लोगों का अभी भी गलत आ रहा है वो लोग मुर्गा बन जाए, वहीं पर जहां बैठे हैं वहीं मुर्गा बन जाए। इससे आसानी से मैं नहीं समझा सकता और इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। अभी भी गलत हो रहा है तो मुर्गा बन जाना वहीं पर, तुरंत कुकड़ों को करिए बैठ के वहां से। देखिए बी की बहन है ए, अब बी की बहन बनाते हैं हम लोग ए, बी की बहन कौन है ए, बी की बहन बना लिया। इस पॉइंट तक कोई दिक्कत, जैसा कहते जाए वैसा बनाते जाओ, मैथ की तरह इक्वेशन बनाते चले जाइए। सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, बी भाई हो गया किसका? सी का। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र हो गया कौन? सी। अभी डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी माता भी हो सकती है, डी पिता भी हो सकते हैं। डी का ए से क्या संबंध है? डी, अब ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है यहां पर, डी का ए से क्या संबंध है। अब जिसके ऊपर का लगा होता है वही हमारा आंसर होता है, लेकिन यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो माता होगा या पिता होगा। मान लीजिए यहां पर ये तो ऑप्शन पुत्री दे रखा, पुत्र दे रखा, चाचा दे रखा, मान लीजिए यहां दे रखा होता माता, क्या दे रखा होता? माता। यहां दे रखा होता पिता, क्या दे रखा होता? पिता। तो आप इंडिविजुअल आंसर माता या पिता नहीं लगाते, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता सही, क्योंकि कैसे आपने कंफर्म कर दिया कि वो माता है, पिता भी हो सकते हैं, या आपने अगर पिता लगा दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। कैसे आपने कंफर्म कर दिया कि वो पिता है, माता भी हो सकती है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, माता या पिता, ये कंफर्म है कोई ना कोई जरूर होंगे, क्योंकि ये लोग इनके क्या है? पुत्र हैं। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए धमाकेदार क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दें सभी लोग।
ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी की माँ की ओर से डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है बताइए। डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है बताइए सभी लोग। क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है क्या? क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ लग रहा है? चलिए लगाते हैं, गलत होगा देखा जाएगा। बताइए सभी लोग क्या आंसर आ रहा है। चलिए इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन में कुछ छूटा है क्या। मुझे तो लग रहा है शायद छूटा है। ए का भाई है बी, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन, इसको हमने भाई बना दिया, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, इसकी जो इकलौती बहन है, कोई भी बहन हो हमें मतलब नहीं है, नाम लिखने की अब जरूरत नहीं है, वो सी की माता है। वो सी की कौन है? माता है, सी की माता बना लिया। डी माँ की ओर से सी नानी है, डी की माँ की ओर से सी की नानी है, डी कॉमा माँ की ओर से सी की नानी है। चलिए डी की माँ बनाते हैं यहां पर। डी की जो माता है वो सी की नानी है। डी की माँ की ओर से सी की नानी कौन होंगी? जब इनकी भी पिता होंगी इनकी भी माता होंगी। डी की माँ की ओर से सी की नानी है। डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? अब देखिए ये तीनों भाई बहन होंगे। अगर ये लड़की है, बाय चांस इसको लड़की मानना है और लड़का मानना है, क्या मानना है? या तो लड़की मानना है या लड़का मानना है। अब देखिए ये तीनों भाई बहन हैं, ये इनकी क्या है? पुत्र है, संतानें होंगी। ये मामा हो गए, ये या तो मौसी होंगी या मामा होंगे। कौन होंगे? मौसी होंगी, मामा होंगे। अब क्या पूछ रहा है? डी का पूछ रहा है। अब देखिए बेटा, या तो आंसर भांजा आना चाहिए था या तो आंसर भांजी आनी चाहिए थी। बहू हो नहीं सकता, पुत्री हो नहीं सकती, चाची हो नहीं सकती डी, भतीजा आ गया है, भतीजा कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़की है तो ये कौन हो गई? भनेज कहते हैं जिसे, बहन की लड़की या बहन का लड़का, भनेजा भनेजा। और अगर ये लड़का है तो या तो ये भांजा होगा या तो भांजी होगी। आंसर भांजा या भांजी होगा या भनेज या भनेजी होगी। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? कोई सत्य नहीं है, ठीक है। या तो यहां पर कोई एक पॉइंट छूटा हुआ है जो डी किसी से क्लियर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी बहन है, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है बताइए जल्दी से सभी लोग। ए और बी बहने हैं, ये दोनों बहने हैं। ओहो, ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है बताएं जल्दी से। ये क्वेश्चन पूरा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए इसका। ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है जल्दी से बताएं सभी लोग। माँ का संबंध है, दादी का संबंध है, बहन का संबंध है, आंटी या मौसी का संबंध है, या कोई नहीं सही है। चलिए देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, जो कह रहा है बनाते चले जाइए। ए और बी बहने हैं, ए और बी कैसे हैं? बहन बहन हैं। आर और एस भाई हैं, कहीं बना लो, आर और एस क्या हैं? भाई भाई हैं। वो बहन बहन हो गई है, भाई भाई हो गए, आ गया समझ में? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को। ए की बेटी आर की बहन है, अब ए की कोई बेटी है वो आर की बहन है, आर की बहन है यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी,
क्या पूछ रहा है बी का एस से क्या संबंध है, क्या पूछ रहा है बी का एस से क्या संबंध है। तो अब तो यहां पर अगर मुझसे पढ़ा होगा तो अंधा भी बता देगा देख के कि क्या आंसर होगा, और आप लोग तो अंधे हो नहीं, आंसर बता सकते हो। जिसके ऊपर का लगा होगा वो आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा मौसी, क्या होगा आंसर मौसी, आंसर क्या होगा मौसी। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। जब ब्लड रिलेशन आपका पजल के रूप में पूछी जाती है, किसमें पूछी जाती है पजल के रूप में पूछी जाती है, तब अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। पजल मैं आपको मैराथन क्लास में कराऊंगा, ध्यान रखिएगा संडे को मेरी मैराथन होगी, आप सभी लोग लाइव रहिएगा मैराथन में, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, सैटरडे को आपको टाइमिंग बता देंगे कि मैराथन की टाइमिंग कितनी रहेगी, सभी लोग लाइव रहेंगे और बेहतरीन एक सेशन चलेगा हम लोगों का मैराथन रीजनिंग का। जितने चैप्टर सभी तक पढ़ाए होंगे वो उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे, और देखेंगे आप लोगों ने इतने दिन इस हफ्ते डेढ़ हफ्ते क्या पढ़ा है, कायदे से पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, उस दिन मुर्गा मुर्गी बनाया जाएगा, पार्टी होगी। चलिए तो जिसके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले भाई, कई महान भाव होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। अच्छा कई लोगों को लगता है सर शायरी ना सुनाइए, सर फलाना, सर धमाका, क्लास में थोड़ा बहुत हंसी मजाक का माहौल होता रहना चाहिए, क्योंकि अगर बोरियत से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, क्लास बंद ही रहनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहेगा। जिनको परेशानी है हंसी मजाक से वो जा सकते हैं छोड़ के, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, ये वादा है, जो पढ़ाऊंगा वो आपको 100% सही मिलेगा और पेपर में आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, ये गारंटी है। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे गारंटी है बोर्ड के ही क्वेश्चन आपको 2-4-10 देखने को मिलेंगे, तब आप कहोगे कि हाँ हम लोग अच्छा पढ़ रहे थे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी बहने हैं, तो बना दो भैया बहने, ए और बी को हमने क्या बना दिया, बहने बहने बना दिया, ये दोनों बहने हैं। आर और एस भाई हैं, आर और एस को भाई बना दो भाई, आर और एस को भाई बना दो, ये दोनों भाई भाई हो गए। एक ही बेटी, एक ही जो बेटी है वो आर की बहन है, बस यही वाला जो लाइन थी एक ही बेटी आर की बहन है, ये लाइन पूरे क्वेश्चन को कनेक्ट करेगी। अब कई लोग पता पीछे पड़ गए होंगे एक ही बेटी है कौन, नाम नहीं मिल रहा है उसमें, नाम नहीं दे रखा, अरे नाम नहीं मिल रहा उसे गुमनाम बना रहे हैं, तो आंसर आपका तब भी आएगा। एक ही बेटी आर की बहन, एक ही बेटी को आर की बहन बना दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, जिसके ऊपर का लगा होता है वही आंसर होता है, ये सब बच्चे, ये मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, कौन हो गई मौसी, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंटी या मौसी। इंग्लिश में लिखा होगा तो आंटी लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा तो मौसी लिखा होगा। किसी को कोई समस्या, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई बी की बहन है, ई बी की बहन हो, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। दादा का, पोत्री का, पिता का, परदादा का, कोई सत्य नहीं, जल्दी से बताएं सभी लोग आंसर। अच्छा एक बार आप सब लोग जरा कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस आसान हुए, इस तरीके से क्वेश्चन लगाना आसान हो रहा है कि नहीं, सब लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। ब्लड रिलेशन इससे आसान तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इससे आसान तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट सभी का आंसर आ रहा है। पूरी रीजनिंग हम लोग ऐसे ही जादुई तरीके से पढ़ेंगे, बस पहले ही मैंने कहा था आपके धैर्य की जरूरत है, हम एक बार में फट नहीं जाएंगे, बम की तरह फट जाए, आपको पूरा ज्ञान अपना दे दें, या इमरान सर हो, या श्याम सर हो, या ओम सर हो, कोई आके यहाँ 10 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटे में
महीने भर में फट नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपको मिलेगा। मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो भैया शेयर कर दो जल्दी से, सभी लोग शेयर मारो, जल्दी से शेयर करियो मेरे शेयर शेरनियों। चलिए क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी भी कई महानुभाव ऐसे हैं, कई महान आत्माएं ऐसी हैं जो आंसर गलत दे रहे हैं। चलिए ई बी की बहन है, ई को बी की बहन बना दो, ई को बी की बहन बना दिया। ए सी का पिता है, उससे संबंधित नहीं है, अलग बना लो। ए पिता है सी का, जोड़ बाद में लिया जाएगा। बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है। अब इसको उठा के यहां ले आओ, बी पुत्र है सी का और ई इसकी बहन है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है बताइए। अच्छा आप देखिए, ये या तो पुरुष होंगे या तो महिला होंगी। अगर पुरुष होंगे तो इनके बेटे, तो ये दादा हो गए। अगर ये महिला होंगी तो ये नाना हो गए। कौन हो गए? नाना हो गए। तो देखिए पौत्री तो हो नहीं सकता, परदादा हो नहीं सकता, पिता हो नहीं सकता, क्योंकि सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। तो या तो दादा होगा, अब यहाँ पर ऑप्शन दादा है, दादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सही जो होना चाहिए वो, अगर इंग्लिश में होगा तो ग्रैंड पेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रैंड पेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इस व्यक्ति का जेंडर क्लियर हो तभी हम बता पाएंगे कि दादा है या नाना है। तो दादा या नाना कोई है ये कंफर्म है, या तो दादा जी हैं या नाना जी हैं, पर कौन है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो बीच में सी है ये रास्ता रोके हुए है, इस वजह से हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। जिसके नहीं समझ में आया वो एक बार फिर देख ले, क्वेश्चन जैसा कहता जा रहा है वैसा बनाते चले जाइए आप, क्वेश्चन जैसा कहता जा रहा है वैसा बनाते चले जाइए आप। ई बी की बहन है, ई को बी की बहन बना लिया, बहन हो गई। ए सी का पिता है, ए पिता है किसका? सी का। बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, सी का, अच्छा हाँ सॉरी यहां मैं खुद गलत कर दिया, ई बहन है, दोनों को बहन बना गए थे हम, ई बहन है बी की। अब बी जो है वो सी का पुत्र है, ये पुत्र है किसका? सी का। तो बी को पुत्र बना लो सी का, और यहाँ ई आ गई। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। अब देखिए ये अगर माता हो गई, पहली बार हमने क्या मान लिया? माता मान लिया। मम्मी के पापा कौन हो गए? नाना। तो नाना आंसर आना चाहिए था। अगर हमने इसको पुरुष मान लिया, क्या मान लिया? पुरुष। तो पिताजी के पिताजी कौन हो गए? दादाजी। तो आंसर दादाजी आना चाहिए था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते हैं कि दादाजी होगा, आंसर होना चाहिए था ग्रैंड पेरेंट। क्या होना चाहिए था? ग्रैंड पेरेंट्स। या तो दादा होंगे या नाना होंगे, ये सही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आप तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग रहे होंगे ना। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, जल्दी से बताइए। आप आंसर चुटकियों में आना चाहिए, आप जिसका गलत होगा मुर्गा बनाएंगे। जल्दी से बताइए, ए बी का भाई है, ए को बी का भाई बना दो, ए बी का भाई हो गया। सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, डी सी का पिता है, वो नीचे बनाए, जब जब ऊपर बनाते हैं गड़बड़ हो जाता है। फिर से आओ, ए बी का भाई है, ए भाई है बी का,
सी ए की माँ है, सी को ए की माँ बना लो। डी सी का पिता है, डी को सी का पिता बना लो। ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, ई को पुत्र बना लो बी का। अब ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से, अब आंसर क्लियर आएगा। देखिए, मम्मी के पापा ये कौन है? का आंसर नाना होगा या नाती होगा? नाती होगा। क्या होगा आंसर? नाती होगा, क्योंकि आंसर हमेशा किसका होता है? का वाला आंसर होता है। तो यहां पर बेटा पौत्र की जगह लिख लीजिए नाती। क्या लिख लीजिए पौत्र की जगह? ये पौत्र हटा दीजिए यहां से, और पौत्र की जगह आप नाती लिख लीजिए, क्योंकि पौत्र नहीं होता है। सही बेटा, नाती। लड़की का जो लड़का होता है या लड़की होती है वो नाती या नातिन होता है, और लड़के का लड़का जो होता है वो पौत्र या पौत्री होता है। ठीक है? अच्छा, जिनको इसमें डाउट हो वो एक बार फिर देख लें, नाती या नातिन में डाउट हो वो एक बार कर देख लें। अच्छा, वैसे जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है हम लोगों का, यूपी के पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, वहां पर ये समस्या बिल्कुल नहीं है। लड़की के लड़के को नाती नातिन कहते हैं और लड़के के लड़के को पौत्र पौत्री कहते हैं। लेकिन अगर आप बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़की के लड़के को भी नाती नातिन कहते हैं और लड़के के लड़के को भी नाती नातिन कहते हैं, तो वहां समस्या आ जाती है। देखिए, मैं दो फिगर बना रहा हूं, ए बी सी डी, ए बी बी यहां पर पूछा जाए सी का ए से क्या संबंध है, और यहां पर पूछा जाए सी का ए से क्या संबंध है। तो अब देखिए ध्यान से, ये मम्मी, मम्मी के पापा कौन हो गए? नाना। यानी कि का वाला आंसर होता है हमारा, तो आंसर क्या आएगा? नाती। इधर अगर देखेंगे तो पापा, पापा के पापा दादा, यानी ये क्या आ जाएगा? पौत्र। अब दोनों में अंतर समझ में आया। लड़की का अगर लड़का होगा तो नाती या नातिन, लड़का होगा तो नाती और लड़की होगी तो नातिन, और लड़के का लड़का होगा तो पौत्र और लड़के की लड़की होगी तो पौत्री। अब मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन रुकना चाहिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या आ गया? नाती। क्या आएगा आंसर? नाती, नाती नतपुर। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रुकेगा, आसानी से सभी क्वेश्चंस आप लोग लगा लेंगे। और पीडीएफ अभी मैं खुद अपने हाथों से भेज रहा हूँ, कल से ये मत कहिएगा कि पीडीएफ नहीं आया, वरना भाई मोबाइल में घुस के दो चार ठुमका मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। डेली पीडीएफ भेजी जा रही है आप लोगों को, इमरान सर की भी पीडीएफ भेजी गई है, हिंदी की भी पीडीएफ भेजी गई है आप लोगों को, देखते हो नहीं, डायरेक्ट तुक्का मार देते, सर पीडीएफ नहीं आई, सर पीडीएफ नहीं आई, पीडीएफ आप लोगों को भेजी जा रही है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दी जाएगी, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप लोग लगाइएगा, जो क्वेश्चन ना आए वो आप लोग जवाब, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं लगेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं लगेगा, 100% क्वेश्चन आप लगा लोगे, ये गारंटी है। बस जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा करते जाइएगा, और ये पांच चीजें याद कर लीजिएगा बस, कौन कौन सी? मेल, फीमेल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये वन जनरेशन गैप। ये मेल है, ये फीमेल है, ये सिबलिंग है, ये मैरिड है, शादीशुदा है, और ये वन जनरेशन गैप। ओ जी जी, ठीक है। तो सेशन आज का आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन करने में मजा आया? सभी लोग जरा कमेंट मैटर में जवाब दीजिए कमेंट करके कि हाँ सर क्वेश्चंस आसानी से लग रहे हैं, ये तरीका अच्छा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, शेयर सभी लोग करें। मिलते हैं कल। कल का टॉपिक आप लोगों का रहेगा क्लॉक। क्या रहेगा? घड़ी। कल का टॉपिक आप लोगों का घड़ी रहेगा। अब समय आप लोगों की मुट्ठी में, घड़ी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हर कंपटीशन के एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।